कल उठ के आलिया भी मेरी बच्ची है, उसका आना जाना भी रहता है हमारे थिएटर गेटी गैलेक्सी में। नहीं, आलिया की पिक्चर तो यूजुअली काम करती है, लेकिन यहाँ कहीं वापस वही कंटेंट में वो गलती कर गई है। कंटेंट अगर परफेक्ट हो पिक्चर चल जाती है। जिसकी मिठाई की दुकान हो कभी मिठाई नहीं खा सकता। वीकेंड की बात अलग होती है। अब आओ, नवरात्रि भी पूरी हो गई है अभी, तो वो जो नवरात्रि का भी गड़बड़ था वो सब गड़बड़ खत्म हो गया अभी। ओके, सो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो और जिगरा भी 11 अक्टूबर को रिलीज, दोनों में क्लैश चल रहा है। तो आप विक्की, सबसे पहले हम विक्की विद्या के पूछ लेते हैं, आपके विक्की विद्या के बारे में पूछ लेते हैं कि ऐसा कहा जा रहा था कि इसका कंसेप्ट जो है मूवी का वो चुराया हुआ है, और अब तो मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स ने भी ब्लेम लगाए थे कि उनकी राइटिंग को चुराई गई है, और अब स्त्री 2 से भी काफ़ी ज़्यादा इसका कंसेप्ट मिलता जुलता है। तो आप क्या कहेंगे इस मूवी की कहानी के बारे में? यूजुअली आजकल ये होते रहता है जी, ये कोई नई बात तो है नहीं। प्रोड्यूसर यहाँ से हाथ मारता है, यहाँ से हाथ मारता है, किसी की स्टोरी ले लेता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको अपनी खुद की स्टोरी होनी चाहिए। मैं वापस वो रिपीट करूँगा जो वर्ड मैं पहले बोला था, सेंटेंस, कंटेंट। कंटेंट अगर परफेक्ट हो पिक्चर चल जाती है जी। ओके, तो जिगरा भी साथ ही रिलीज हुई, दोनों का क्लैश चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिगरा को काफ़ी ज़्यादा एवरेज बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, तो फिल्म को ज़्यादा ऑडियंस का यू नो अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये वुमेन सेंट्रिक है, इस वजह से पिक्चर अच्छे से कमा नहीं पा रही है? नहीं, आलिया की पिक्चर तो यूजुअली काम करती है, लेकिन यहाँ कहीं वापस वही कंटेंट में वो गलती कर गई है, और वो गलती करने की वजह से ये गड़बड़ हुई है, बस और कोई वजह नहीं। ओके, तो अब जैसे दोनों की ओपनिंग डे थी, दोनों का कलेक्शन, जैसे विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, इस फिल्म को 5 करोड़ की ओपनिंग मिली, और आलिया की फिल्म को कुछ 4.55 करोड़ की ओपनिंग मिली। तो यही पूछना था कि क्या लगता है आपको दोनों के कलेक्शन को देख के, कि आपसे पता चलेगा? वीकेंड तो भाई फ्राइडे सैटरडे संडे बरोबर होता है जी, लेकिन आज पता चल जाएगा सब, आज से कैसे जा रही है जी, उसके ऊपर से मैं आपको बता सकता हूँ। ओके। तो अभी रिसेंटली दिव्या खोसला ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि वो किसी मुंबई के थिएटर्स पर पहुंची थी और उन्होंने देखा कि पूरा थिएटर खाली है। तो उन्होंने आलिया को स्टोरी पे मेंशन करके हैशटैग वगैरह यूज़ करके उन्होंने लिखा कि आलिया में जिगरा तो बहुत है, थिएटर्स पूरी खाली है, और उन्होंने फेक कलेक्शंस बता दिए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या वो वाकई में फेक थी? मेरे हिसाब से नो कमेंट्स, क्योंकि मेरे वहाँ चल रही पिक्चर मैं जानता हूँ उसकी हालत क्या है। तो कल उठ के आलिया भी मेरी बच्ची है, उसका आना जाना भी रहता है हमारे थिएटर गेटी गैलेक्सी में। तो मीन्स आई डोंट नो टू स्पॉइल इन माय रिलेशंस विद देम, लेकिन देखते हैं। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, वीकेंड की बात अलग होती है। अब आओ, नवरात्रि भी पूरी हो गई है अभी, तो वो जो नवरात्रि का भी गड़बड़ था सब गड़बड़ खत्म हो गया अभी। ओके सर, सो एज आलिया आपको इतनी पसंद है, तो ये उनकी पहली फुल फ्लेज एक्शन मूवी है, तो आप क्या बोलेंगे उनकी एक्शन कैसी लगी, कैसा परफॉर्मेंस रहा उनकी मूवी में? मैंने एक फ्रेम नहीं देखी है। जिसकी मिठाई की दुकान हो कभी मिठाई नहीं खा सकता। ठीक है, आपने अब एज आई एम मैं जो सुना वो सुना से बोल रहे हैं कि नहीं, मजा नहीं आ रही है। ओके, मेरे कहने से नहीं, पब्लिक के कहने से मैं बता रहा हूँ। ओके 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 सर, सो दोनों का जो हाइप बना हुआ है, एक प्रेडिक्शंस पूछ लेते हैं आपसे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ पर्सनली कि आपको क्या लगता है, विक्की विद्या ज़्यादा आगे जाएगी या फिर आलिया की जिगरा आगे जा सकती है? टू लेट टू से, कम अगेन ऑन थर्सडे, ओके, एंड ऑफ द वीक, ओके, और मैं आपको बता दूंगा। जी जी,